लेकिन दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब क्या क्रिएट ना होंगे। अच्छा जी, आज की साड़ी वीडियो का टॉपिक हैगा वा लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग ते क्रॉस ब्रीडिंग की होंगे ने। ठीक हो गया। सब तो पहले तो क्रॉस ब्रीड ते हो गई, मतलब क्या तुसी अगर टैडी कबूतर नू क्रॉस किया हैगा जे तुसी मगर ना, इन्हों दोनों तो अगर जो बेबीज बनने उन्होंने असं क्रॉस ब्रीड का नाम देवे। ठीक हो गया। यदा मतलब यह होएगा कि यह जी क्रॉस ब्रीड बनी है साढ़े को, ये एक पर टैडी का होएगा जमा एक पर कमाकर दा होएगा। ठीक हो गया। ए साडे कोल हो जाएगी क्रॉस ब्रीडिंग। हुण अगर असी इन्हां चो बच्चा जिहड़ा निकलिया होएगा उहनूं अगे असी टैडी दे नाल चलावांगे, ठीक है, वो जदों अगे बच्चे देगा उहदे विच टैडी भी देगा तो टैडी कमगर भी देगा, फिर उन्होंने दे दो पार टैडी हो जाएंगे एक पार कमगर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह एक क्रॉस ब्रीडिंग चलती है। इन ब्रीडिंग जी होंगी है, इन ब्रीडिंग होंगी है मतलब कि तुसी टैडी कन्नों क्रॉस कराया टैडी ना। ठीक हो गया। तो उस तो बाद दे विच तुसी ले दो बेबीज, हो गया। हुण जदों तुसीं टैडी नूं टैडी नाल क्रॉस कराया तो बच्चे का टैडी होए, ठीक है, हुण उन्हां नूं फिर अगे की करदे हैगे ने कि इन्हां दोनों बच्चों नूं आपस दे विच क्रॉस करा के जिहड़ी अगे तुसीं ब्रीड लाओगे वह होएगी इन ब्रीड। मतलब कि अपने ही भैन भरावां दे नाल लग के ब्रीडिंग करावाण नूं इन ब्रीडिंग कहिंदे आ। इहदे फायदे भी ऐ ने, नुकसान भी ऐ ने। कुछ जगह ते जा के सानूं इन ब्रीडिंग दी जरूरत पैंदी हैगी है, सानूं करवाउणी पैंदी है, ठीक है। ते उहदे विच रीज़न इह है कि तुहाडे कोल इक कबूतर टैडी कबूतर ने जोड़ा तुहाडे कोल बहुत अच्छा है, तुसीं उहदे बच्चे नहीं रोक सके। ठीक हो गया। हुण नर मर गया या मादी मर गई या वह पिंजरे चो निकल गया, कुछ भी हादसा हो सकता। तो हुण तुसी चाहुंदे हो कि जी तुहाडे कोल ब्लड सेव रहे, ठीक है, उस नूं ब्लड नूं सेव करन लई तुसी उहनां दे भैण भाइयां नूं या माँ पुत्तर नूं भैण भरा नूं आपस दे विच लगा के वह ब्लड सेव रख सकदे हो। लेकिन वह भी जिहड़ा है ना कि तुहानूं फर्क हुंदा उहदा बगलां उनका बॉडी स्ट्रक्चर उस सारे नूं मेनटेन देखते हुए तुहानूं जोड़ा लगाना पएगा। ठीक है। इन ब्रीडिंग जिहड़ी है वह एक दो हाथ ते चल जाती है, क्योंकि साढ़े जिहड़े लोग आ उन्हां दा सोचना यह हुंदा वा कि इन ब्रीड गल जोड़ा साडा जिहड़ा इन्हां दा माँ प्यो बहुत अच्छा वा, तो अगे बच्चे भी बहुत अच्छे ने। ठीक है, वह सोच वो पांच कु जोड़े होंदे ने कि जिहड़े अपने तो अच्छे बच्चे कढ़दे ने। हर जिन्हें जिन्हें बच्चे लए ने तुसीं, मतलब कि दस बच्चे लए ने तो दसों में अठ बच्चे आउट क्लास ने। ठीक हो गया। उस चक उस सीन दे विच ते हो सकदा, लेकिन हुण तुसीं जोड़ा लगाया, तुसीं टेस्ट भी नहीं कीता, तुसीं बच्चे कट्टी जा रहे हो, ठीक है, हुण किसी बच्चे की बगल छोटी है, किसी की वड्डी है, किसी की हड्डी छोटी है, तुसीं इह चीज़ां नूं मद्देनज़र नहीं रखते हो, आपस से लगा लेंदे हो तो कबूतर खराब हो जाते हैं। ठीक हो गया। इस वजह दे नाल जिहड़ा है ना इन ब्रीडिंग जिहड़ी है वो सिर्फ ब्लड सेफ रखण नूं करवानी चाहीदी है, ज़्यादातर नहीं करवानी चाहीदी। लाइन ब्रीडिंग दे विच ये हुंदा है कि टैडी नूं तुसीं क्रॉस कराया टैडी दे नाल, ठीक है, ए टैडी जिहड़ा है ये तुहाडे अपने घर दा, ठीक है, ए टैडी जिहड़ा है
बेसिकली ये तुसी कहते हो बाहरों लै के आए हो, ठीक है। बेसिकली हम ये चीज़ की देखी जाएगी कि एस डैडी का ब्लड तो एस डैडी का ब्लड दोनों सेम ने, ठीक हो गया। इन्हों का ब्लड जड़ा है वो सेम है, मतलब कि ताडे घर का हो गया, यह तुसी बाहरों ले आंदा, लेकिन वो खून उ होएगा, ठीक है। हूँ वो यही होएगा कि तुसी इनू जो अपने परिंदियां दे नाल चलाऊंगे, ठीक है, एक तो उन्हों का पर कुंदा नहीं खराब होएगा, ठीक हो गया। तो दूसरा ये कि अगे तुसी उन्होंने बच्चों जिते मर्जी चलाओ, तुहानू किसी चीज़ की टेंशन नहीं होएगी कि जी इन्हों का पर कुंदा खराब हो जाएगा या कुछ इस तरह का सीन हो जाएगा। ब्रीड भी अच्छी होएगी, ठीक है। इन ब्रीड वाले जड़े हैगे आ वो नहीं आएंगे इधर, जिहड़े फॉल्ट इन ब्रीड चाहते हैं ने वो लाइन ब्रीड के नहीं आते हैं, ठीक है। लाइन ब्रीड का मतलब यही होंगे है कि अपनी नसल के, मतलब कमगर कबूतर है तुहाडे घर का, ठीक है। तुसी किसी होर दे घर का कमगर कबूतर लिया के अपने कमगर कबूतरां च पा लो, ठीक है, तो उन्होंने लाइन ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। दो नसलों के क्रॉस नूं क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। हुण इहदे विच ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰ ਕੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰੀਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਬਰੀਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਰੀਡ ਬਣਾਉਣੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਡੀ ਨਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਰੀਡ ਬਣਾਉਣੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਬਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਟੈਡੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੀਮੇਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਡੀ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰ ਮਾਦੀ ਬੇਬੀਜ਼ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਰ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮਾਦੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਨਰ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਤੇਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਰ ਮਾਦੀ ਫਿਰ ਨਰ ਜਮਾਂ ਮਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਤੇਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਤਰੀਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਾਬਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਜੀਨਸ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਾਬਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਪ ਦੀ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸੂਲ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।